सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज कुछ आप लोगों को ब्लेज स्टैगर से गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको पता है टूर्नामेंट्स में बाहर हो चुका हूँ, मतलब यार सभी से हार रहा था मैं यहाँ पे, मतलब गेम प्ले तो बहुत ही ख़राब हो चुका है मेरा और फिर गेम प्ले से मन भी उठ चुका है। आपको पता है यार इतने दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं, 8-8 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ रेगुलर वीडियो लाऊँगा पर मैं ला ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब गेम भी खेलने का मन नहीं कर रहा यार। मतलब कितना इसको आगे तक लेके जाएंगे हम गेम को यार, बहुत मतलब फेयर प्लेयर की तो पूरी वाट लगी हुई है यहाँ पे, और ऊपर से जो गेम का जो आईटो प्लेयर लुल्लू प्लेयर वो कुछ जा रही नहीं है, मतलब गेम की तो पूरी वाट लगी हुई है। वैसे आपको पता है बहुत दिन से यार ये गेम का जो है ना, मतलब इंटरेस्ट बहुत लोगों का कम हो चुका है और मेरा भी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, और मैं गेम प्ले भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब बाहर ही घूमने जा रहा था फिलहाल, तो मैं 3-4 दिन से तो बाहर ही था मैं, बस अब 2 ट्रिप हो चुकी है मेरे यहाँ से वहाँ पर, मतलब कम से कम पता नहीं तो मेरे घूमने में चले गए। ऊपर से गेम प्ले नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जब गेम प्ले में जा रहा हूँ तो ऊपर से क्या हो रहा है अभी तुरंत ही आईटू प्लेयर आ जा रही है। मतलब यार मैं ही जा रहा हूँ फिर गेम प्ले की वीडियो ज़्यादातर, और 2-3 यूट्यूबर है अपने, रॉडी भाई हो गए, अपना यश भाई हो गए, अपना जामुन भाई हो चुके हैं, वैसे बहुत सारे तूफानी गेमर भी, मतलब वो भी यार कम कर चुके हैं यार गेम प्ले करना, बात की सबसे होती है। पर वहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, सबका जो मन है ना सिर्फ वो ऐटो प्लेयर्स को बैन करवाना है, और बैन वो कुछ कर नहीं पा रहे मेरे के लिए। मतलब यार ये मेरे ख्याल से 100% यार ये ऐटो प्ले नहीं है कि इनका ही छे, ऐसा मुझे लगता है भाई, ठीक है ना। मतलब ऐसा कौन सा गेम है भाई जिसको तुम बैन नहीं कर पाते हो भाई, तुम्हारे गेम में कुछ भी यूज़ करे जा रहे हैं ये लोग फिर भी आप बैन नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ तो कुछ होगा ना भाई सिस्टम, मतलब हाथ मिला हुआ होगा या तो 50-50 होगा, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं होता है। और ये गेम प्ले आप लोग देख रहे हो भाई, ये पुराने वाले गेम प्ले का ऐसे मैंने बचा के रखा था आप लोगों के लिए, मैंने बोला जब मेरा गेम प्ले खेलना नहीं होगा तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा ये वाले। तो ये पुराना गेम प्ले आप लोगों को दिख रहा हूँ, ब्लेज स्टैगर विदाउट पावर के साथ मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, और इस टाइम पे का गेम प्ले देखो मेरा, अभी का गेम प्ले देखो, मतलब पूरे गेम की तो वाट लग चुकी है। चलो टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुका हूँ मैं, मुझे नहीं लगता अभी इसके बाद मैं टूर्नामेंट खेल पाऊंगा, क्योंकि भाई गेम भी छोड़ के जाने वाला हूँ मैं, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ के चला जाऊंगा भाई। थोड़ा सा मैं बांधा हुआ इस गेम से, क्यों, आप लोगों की वजह से। अगर जब मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा अपने चैनल पे तो अपना जो चैनल है डेट हो जाएगा, और अगर जब दूसरा थर्ड पार्टी गेम प्ले में डबल से यूज़ करने लग जाऊँगा, मतलब पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, अदर गेम कोई भी, तो वहाँ पर मैं चला जाऊँगा, एकदम से शिफ्ट हो जाऊँगा, तो आप लोगों को क्या लगेगा भाई नासिर भाई चले गए, मतलब कैरम पुल की वीडियो से आप लोग मुझे जानते हो ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मतलब 8 दिन में एक ना एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा हूँ भाई अब कौन सा गेम प्ले करूँ, फ्री फायर तो यार बहुत से लोग हो चुके हैं उसके अंदर, फ्री फायर बहुत से लोग खेलते हैं, पबजी बहुत से लोग खेलते हैं, पर दूसरा गेम प्ले कौन सा कर सकते हैं, मतलब दूसरा गेम कौन सा पकड़ूँ मैं जिसमें मैं गेम प्ले कर सकूँ, आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ भाई। आप लोग पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। मैं तो हो चुका अभी परेशान, ठीक है ना। तो गेम की तो पूरी वाट लगी हुई अपनी, फिर भी यार ट्राई तो कर रहा हूँ मैं गेम प्ले करने का ज़्यादातर, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से जो हैकर है वो भी डीमोटिवेट करके चले जा रहे हैं, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपन दूसरा गेम प्ले भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा मैं मेरी तरफ से। और ये शॉट देखो कितना प्यारा शॉट खेला यहाँ पे मैं। चलो चलते हुए आप नेक्स्ट गेम प्ले पे, ये आईटू प्लेयर है, ये अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 15-20 दिन पुराना गेम प्ले, ये बंदे से मैं किस तरह से रिवेंज लेता हूँ देखो, वो तो पहले ब्रेक उसको मिल जाता है, ठीक है ना, उसको ब्रेक मिल जाता है, इसके बाद वो क्या करता है आप लोग देख ही लो, मतलब उसको तो कुछ करने का काम ही नहीं, एक प्रेस बटन, एक बटन दबाना है, प्रेस करके छोड़ देना है, और ऊपर से जो गेम है वो ऑटोमेटिक फिनिश कर देगा गेम को, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरा गेम प्ले लग जाता है इसके साथ, और इसको मैंने क्या पूरा ब्रेक टू मैच मार के गेम प्ले विन करता हूँ जब मुझे मज़ा आता है। देखो वही पक है, वही स्टैगर है, और यहाँ पर देखो ब्रेक मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपको पता है, नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बदला तो लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिलहाल इसको खेल लेता हूँ टॉप राइट में, आराम से खेलूँगा, ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि पूरा फिनिश करना है अपने को यहाँ पर। तो चलो मैं मुझे लगता है भाई इसको खेल लेते हैं, जो बाकी 2 कॉइन है उसको रन देंगे हाथ के नीचे, बाद में काम आ जाए, आ ही जाएंगे वैसे। चलो इसको मार लेता हूँ, इसका कुछ काम नहीं फिलहाल अभी। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है पूरा ऑलमोस्ट अपना ब्रेक टू मैच तो हो ही चुका है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इस वाली बीच वाली कॉइन को टॉप लेफ्ट में कट मार लेता हूँ, थोड़ी रेड वाली कॉइन भी श्योर हो जाएंगे, पर यहाँ पे चिपक जाती है, मतलब लग तो ख़राब रहती है अपने, वैसे आपको पता है भी, फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बीच में से देख रहा हूँ पंच शॉट मारने का ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पे तुम्हारा भी ईजिली इस वाली शॉट को नहीं है कि मार लेता है, और पंच शॉट सक्सेसफुली लग चुका है अपना टॉप राइट पॉकेट में, तो इसको भी टॉप राइट पॉकेट में मार लूँगा। यहाँ पे गेम प्ले नहीं है कि ईजिली विन कर लूँगा, यहाँ पे तो रिवर्स तो अपना हो चुका है भी। चलते भाई नेक्स्ट गेम प्ले पे, अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये लेडी भी रहती, मतलब यार अच्छा खासा पावर है, मतलब आईटी प्लेयर है वैसे आपको पता होगा, तो क्योंकि विनिंग रेटिंग आप लोग देख रहे होंगे 71% है, तो ये आईटी प्लेयर की हो सकती है, फेयर प्लेयर की कभी नहीं हो सकती है। चलो कोई नहीं, टॉप लेफ्ट में इसको मार लूँगा, और इसको मारने के बाद जो कॉइन से मेरे बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ टॉप राइट में इसको कर मार लूँगा, जोर से जो ऊपर की कॉइन फंसी हुई रहती है उसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, और ओपन हो भी जाती है।
अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको कट मार के जो रेड वाली कॉइन है उसको भी थोड़ा सा शेवर कर लो, और यहाँ पे शेवर हो जाती है इसकी मदद से मेरे ख्याल से दूसरे कॉइन भी अपने ओपन हो जाएंगे इजीली। तो मैं टॉप राइट में इसको कट मारूंगा, दो कॉइन्स अपने फंसे हुए रहते हैं उसको भी निकाल लूँगा और निकाल तो लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जो चिपकी हुई कॉइन है टॉप राइट में अपने मतलब टॉप राइट फ्रेम में उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी बहुत ट्राई करता हूँ उसको निकालने का, देखो आप लोग। तो टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ, फिर भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है इस वाली कॉइन को मैं थोड़ा क्रॉस खेल के थोड़ा देखता हूँ रास्ता के लिए बन जाए थोड़ा सा, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ उसको। मैं बोलता हूँ इस वाले कॉइन से थोड़ा सा रास्ता बन जाए तो मज़ा आ जाए, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा लक साथ नहीं देता है। तो तुम्हारा भाई देखो क्या करता है अभी फिलहाल, इस वाली कॉइन से नहीं है कि जो अपनी कॉइन दिख रही है अपने ओपोनेंट के टॉप और राइट वाली दो कॉइन्स उनको नहीं है कि निकालने की कोशिश कर दो, बहुत लॉन्ग कट मार दो अभी इसको मैं घुमा के। और यहाँ पे जो रास्ता तो बन जाता है, पर ये शॉट खेलने के लिए बहुत ही दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और एक्यूरेट मारना पड़ेगा, हिट करना होगा इसको। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल पूरा सा टाइम लेता हूँ, फिर बाद में इसको हिट कर लेता हूँ और इजीली कॉइन में पोर्ट कर लेता हूँ। मतलब पहला गेम प्ले तो अपना अलग ही था भाई, अभी तो टट्टी हो चुका है एकदम टट्टी। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आप क्या कर दो, एक और ब्रिक मिल जाता है मुझे, और ये भी अभी पुराना गेम प्ले नहीं है, अभी अभी का गेम प्ले 20 दिन पुराना गेम प्ले होगा मेरे ख्याल से। अभी तो गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं 2-3 दिन गेम प्ले करूँगा न्यू और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। वैसे ये भी न्यू है गेम प्ले, क्योंकि मैंने इसको अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पर, वही गेम प्ले ये। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इस वाली टॉप लेफ्ट में जो कॉइन जा रही है कनेक्शन उसको मार लेता हूँ। और आप लोग सोच रहे हो भी ये ओल्ड गेम प्ले है, पर यहाँ पे ये जो ओल्ड गेम प्ले इससे पहले मैंने कभी अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पे, ये अभी अपलोड कर रहा हूँ, वो बचा के रखा था मैंने इस वाले गेम प्ले को, मैंने बोला बाद में काम में आएंगे अपने, तो इसीलिए मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ। और ब्लेज टाइगर से भी गेम प्ले बहुत से लोग बोल रहे थे भी लेके आओ विदाउट पावर, तो वो भी लेके आ चुका हूँ, लगे तो हार आप लोगों के लिए अलग से गेम प्ले लेके आऊँगा, पर छोटे टेबल पर लेके आऊँगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि अभी मुंबई एरिया में खेलना बहुत मुश्किल हो चुका है, वहाँ पे भी हैकर मिल रहे हैं, दुबई इसके बारे में मिल रहे हैं, और अपना क्या बोले यार इस्तांबुल भी छोड़ रहे नहीं लोग यार, इतने बदमाश हो गए लोग, मतलब इतने मतलब वो हो चुके, मतलब क्या बोलते कॉइन्स के भुक्के, ठीक है ना, कॉइन्स के भुक्के हो चुके सब लोग। अब आप लोग तो समझ सकते हो, आप लोगों के साथ तो मेरे से ज़्यादा बुरा हो रहा है मुझे पता है, कोई नहीं। तो टॉप रैंक में इसको मार लेता हूँ, यहाँ पे गेम प्ले भी विन कर लेते हैं अपन, चलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले। यहाँ पर तो अपने ऑपरेटर को ब्रेक मिल जाती है, पर बेचारा कुछ खास फायदा नहीं कर पाता क्योंकि एक साथ दो कॉइन पोर्ट कर लेता है, बाद में यहाँ पे थोड़ा रास्ता वो फंसा लेता है अपना, वैसे फेयर प्लेयर था भाई, चलो अच्छा तो है, मतलब फेयर प्लेयर भी मिले थे मुझे इससे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेचारा मिस कर लेता है कनेक्शन शॉट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आप लोग देख सकते हो, मैं टॉप लेफ्ट में इसको थोड़ा सा क्रॉस कट मारूंगा क्योंकि कुछ कॉइंस मेरे ख्याल से ओपन हो जाए, चलो ओपन तो नहीं होते हैं, पर यहाँ पे मेरे कहने की शॉट रहता है टॉप लेफ्ट में खेलने के लिए, तो मैं इसको मार के जो गेम है अपना थोड़ा सा और भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करे बाद मुझे लग रहा था अभी इस वाले कॉइन को टॉप राइट में खेल लूँ और बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन्स और भी ओपन कर लूँ, क्योंकि इतना खास ओपन नहीं होता है। कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे अपन कनेक्शन मारेंगे टॉप लेफ्ट में, लुल्लू शॉट बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है ना। तो ये पहले लुल्लू शॉट बहुत खेलते थे लोग जब लुल्लू प्लेयर थे तो, ठीक है ना, लुल्लू हैक था। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ टॉप लेफ्ट में इसको मारूंगा, जो बीच में कॉइन से ऑलरेडी खुल जाएंगे अपने, क्योंकि बारीक कट मारूंगा तो नहीं होगा, बारीक कट मारे बाद ही थोड़ा सा निकलने के चांसेस बनेंगे, पर यहाँ पे जो अपने ओपनर की कॉइन है उसने रास्ता रोक दी भाई और कुछ कॉइन निकालने नहीं दिया अपने को। यहाँ पे मेरे पास ये वाली कॉइन थी, इससे सिर्फ मुझे थोड़ा सा टच करना, और वो निकाल भी लेता हूँ मैं कॉइन्स को थोड़ा सा टच करके, और टॉप लेफ्ट में इसको खेल लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है रेड वाली कॉइन को पोर्ट करते हुए गेम प्ले में इजीली विन कर लूँगा और ये गेम प्ले भी अपना यहाँ पे खत्म कर लूँगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग गेम किस पे चाहिए आप लोगों ने कमेंट करके बताना भी, ठीक है ना, कोई तो टॉपिक पे चाहिए। तो चलो कल एक और वीडियो साथ में, 2 दिन के बाद मिलूंगा भाई, वैसे मैं बोलता हूँ 2 दिन के बाद, फिर भी 8 दिन लग जाते भाई क्योंकि आपको पता है क्या रीज़न है। चलो कोई नहीं, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो अभी के लिए बाय गाइस।